उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा पर की गई कार्रवाई। बता दें कि विजय मिश्रा के खिलाफ औरई कोतवाली में गुंडा अधिनियम के तहत प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। इसके अलावा प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही में उनके खिलाफ 71 मामले दर्ज है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि ज्ञानपुर विधायक जो विजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने टोल प्लाजा का जो मालिक है गोपी कृष्ण महेश्वरी, उसको फोन पर धमकी दी जान से मारने की। बनियागिरी कर रखा मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है, फोटो वीडियो कैसे नहीं आता मेरे तिवारी आई लेकिन हमसे ठीका यहाँ से तेजी काटू गाजीपुर कहाँ से बारिश लगा है। ब्रजेश सिंह कहे हम लगे तो हम कहो 19-20 पर हमका हम ले नहीं कर तो ले रहे शुक्ला जी से रोके रहे तो कह रहे चाहे इतना पैसा ले लेंगे शुक्ला जी न ले पाऊंगा तो एक एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे ये बताओ कही दे रहे श्री राम से रिश्तेदार रहो नमस्कार आवाज दे रहा हूँ नमस्कार दे रहे आप पहली तो चिल्लाए ना तू हम अंग्रेजी बोला था उद्घाटन करे तो कुत्ता का देगा क्या करे नारियल फोड़ जाता तू जहां मिल रहे बिना रेले तो छोड़ ना सीधे उल्टा कर चीरू की खत्म सर बनियागिरी फालतू बात करा था मैं नहीं लगाया वो लगाया वो पैसा वहां था ट्रांसफर कर दिया लगे तो ब्याज सह दिया था राम ज्यादा है याद पाई जा रहा पैसा कमा लेते राम ज्यादा। पूरा प्रकरण ये है कि ज्ञानपुर विधायक जो विजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने टोल प्लाजा का जो मालिक है गोपी कृष्ण महेश्वरी, उसको फोन पर धमकी दी जान से मारने की, क्योंकि टोल वो ले नहीं पाए अपने लोगों के माध्यम से जिनके नाम से वो लेना चाहते थे और ये टोल ले लिया गोपी कृष्ण महेश्वरी ने। उसमें उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया, वो इस पर मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं है। ये ऑडियो क्लिप मुझे मिली है, मुझे मतलब पुलिस विभाग को मिली, तो इस पर हमने भी सूचना लिखवाई थाना औराई में, इंस्पेक्टर औराई द्वारा इसकी जांच की गई और तत्पश्चात इनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई। जैसे सर पूर्व में भी टूल प्लाजा के कर्मियों ने इन पर आरोप लगाया था तो संज्ञान भी आपके पास आई है जांच रिपोर्ट है। इन्होंने कई एप्लीकेशनें डाली हैं कि टोल में बहुत गुंडाई हो रही है, बहुत अवैध पैसा वसूला जा रहा है, इसकी जांच भी हमने सीओ ज्ञानपुर से करवाई थी और वो जांच झूठी पाई गई है। नहीं, किसी राजनीतिक विद्वेष में नहीं है, मैंने आपको ऑडियो क्लिप दी है, आप सुन लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिसने जैसा काम किया उसके साथ ऐसा काम हुआ है।